नमस्कार, मैं पंडित सूरज कुमार, श्री कृष्ण सेवा गौशाला ट्रस्ट का संचालक। मैं पिछले 3 साल से रन कर रहा हूँ गौशाला, जो कि मैंने रोडों पर देखा कि गायें गंद खाती हैं, कूड़ा खाती हैं। इन सब चीजों को देखकर मैंने एक मन बनाया कि मैं एक गौशाला को रन करूंगा, जिसमें कि मैं इन गायों को रोडों से ला करके अपनी गौशाला में इनका पालन पोषण करूं। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारी गौशाला में कैसे गौओं को रखा जाता है, उनकी क्या क्या सुविधाएं की गई है, इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है, और इनके लिए मैंने डॉक्टर भी अपॉइंट किए हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरी गौशाला जो गूगल पर सर्च करते हैं, जितनी भी कॉल्स आती है, जितने भी भाई बहनों की, गौ सेवकों की, उनके लिए भी मैं गवर्नमेंट से डॉक्टर को भेजता हूँ गाय की मलम पट्टी के लिए। गाय कहीं पर उठ नहीं पाती है, कहीं किसी को चोट लगी होती है, तो मेरा जितना फर्ज है मैं उतना आप लोगों के बीच में कार्य करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी गौशाला में गाय कैसे बैठी रहती है, कैसे चलती है, कैसे घूमती है। इन सब जब ये गाय घूमती है और जिस समय मैं गौशाला में जाता हूँ, मेरे पास आती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन को वो संतुष्टि मिलती है कि एक माँ तो वो है जिसने मुझे जन्म दिया है, और एक माँ हमारी ये है जो पूजनीय है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। और मैं सभी गौ भक्तों से, सभी प्रेमियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, अनुरोध नहीं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी गौ माताएं हमारी रोडों पर कूड़ा करकट पन्नी खा रही है, या लोग जो दूध काढ़ कर गायों को रोड पे छोड़ देते हैं, इनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करूंगा कि इनको रोडों पे ना छोड़ा जाए। अगर आप इनको रोडों पे छोड़ते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनको हमारी गौशाला में छोड़ दिया जाए, ताकि हम और आप साथ मिलकर इन गौ माताओं का पेट भर सके, इनको दुविधा से बचा सके, एक्सीडेंट से बचा सके, हर चीज से बचा सके, और इनकी सुरक्षा कर सके। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी अपनी अपील करना चाहूंगा कि हमारी गौ माता रोडों पर ना रहे, उनके आदेश के अनुसार मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं। वो एक बहुत बड़े गौ सेवक है, मैं उन्हीं के बताए हुए रस्तों पर ये गौशाला रन कर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आप सभी गौ भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।